हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बेल के शरबत की रेसिपी। तो गर्मियों में मिलने वाला बेल का फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो पेट से रिलेटेड कई बीमारियों जैसे इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और पेचिस जैसी कई बीमारियों में काफ़ी लाभदायक है। तो इन गर्मियों में पेट को ठंडक पहुँचाने के साथ ही ये आपको लू और गर्मी से भी बचाएगा। तो बिल्कुल भी देर किए बिना शुरू करते हैं इस हेल्दी और टेस्टी बेल के शरबत को बनाना। यहाँ पर मैंने ये एक मीडियम साइज का पका हुआ बेल लिया है। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर तोड़ रही हूँ। तो इसका बाहर का पार्ट बहुत हार्ड होता है, जो चाकू से इजीली कट नहीं हो पाता, इसीलिए आप इसे या तो इस तरीके से तोड़ लें या फिर फर्श पर भी आप इसे पटक कर तोड़ सकते हो। तो इसे मैंने यहाँ पर तोड़ लिया है। तो अब हमें यहाँ पर इसके अंदर के गुदे या पल्प को निकाल लेना है। तो पहले मैं यहाँ पर इसे हाथ से इस तरीके से निकाल लूंगी। हाथों को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, तो काफी सारा पल्प या गुदा मैंने हाथ से निकाल लिया है। तो अब मैं बेल के छिलकों में लगे पल्प को स्पून से निकाल रही हूँ। तो स्पून से बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। तो इसे मैंने यहाँ पर बहुत ही सफाई से निकाल लिया है। तो इसके दूसरे पार्ट में लगे गूदे को भी मैं स्पून से निकाल लूंगी। तो एक बेल का सारा गुदा या पल मैंने इस बोल में निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो इतना पानी हमें इसमें डालना है जिससे कि ये अच्छे से सोख हो सके। तो एक बार अच्छे से इसे मैं स्पून से मिक्स कर लूंगी और फिर इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने दूंगी। तो अगर बेल का गुदा ज्यादा हार्ड है तो आप इसे एक घंटे तक भी रेस्ट करने के लिए रख सकते हो। तो आधे घंटे बाद मैं इसे चेक कर लूंगी। तो रेस्ट करने के कारण आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा सॉफ्ट या मुलायम हो चुका है। तो अब मैं साफ हाथों से इसे इस तरीके से मैश कर रही हूँ ताकि इसके जो भी मोटे पार्ट हो वो इक्वली स्मूथ हो जाए। तो अच्छे से मैंने इसे हाथों से मैश कर लिया है। तो अब हमें इसे छानना है। तो इसे मैं डाल दूंगी इस स्ट्रेनर में और अच्छे से इस तरीके से स्पून से मिक्स करते हुए इसे छान लूंगी। तो बहुत ही आसानी से ये इस तरीके से छन जाता है। स्ट्रेनर में बचे इस पार्ट को मैं अलग बोल में निकाल लूंगी और बचे हुए बेल के पल्प को सेम प्रोसेस से छान लूंगी। तो दो बैचेस में मैंने इसे छान लिया है और बचे हुए पार्ट को इस दूसरे बोल में निकाल लिया है। तो बचे हुए दूसरे पार्ट को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो कुछ भी हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसे फिर से स्ट्रेनर में डालेंगे और अच्छे से स्पून से मिक्स करते हुए इसे छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। तो एक बेल से इतना सारा पल्प यहाँ पर निकला है। तो अब हम इससे बनाएंगे बहुत ही गुणकारी ठंडा ठंडा बेल का शरबत। मिठास के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूंगी बूरा शुगर। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/3 कप बूरा। आप इसकी जगह वैसे तो पाउडर शुगर भी डाल सकते हो, लेकिन ये उसके मुकाबले काफी हेल्दी होता है। तो इसमें मैंने आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक और आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है। तो अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूंगी। आप चाहो तो इसे केवल मीठा या केवल नमकीन भी बना सकते हो, या फिर बिना कुछ डाले भी इसे ऐसे ही पी सकते हो। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये बेल का शरबत बनकर तैयार होता है और गर्मियों में हमारे लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। तो एक बेल के इस पल्प से 7 से 8 गिलास शरबत बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इन्हें मैं सर्व कर रही हूँ कांच के इन 2 गिलास में। तो थोड़ी सी आइस क्यूब और पुदीने के कुछ पत्ते मैंने 2 गिलास में डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी बनाया हुआ ये पल्प। तो एक गिलास में मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच या 3 टेबल स्पून पल्प का यूज कर रही हूँ। तो आपको इसको जितना गाढ़ा या पतला बनाना है उसके हिसाब से आप इसमें पल्प डालें। तो अब मैं इसमें पोर कर रही हूँ ठंडा पानी। तो पानी डालने के बाद इसे अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और ठंडा ठंडा बेल का शरबत बनकर तैयार है। मॉर्निंग में इसे खाली पेट पीना ज़्यादा फायदेमंद माना गया है, लेकिन आप इसे दोपहर में भी पी सकते हो। तो आप भी गर्मियों के इन दिनों में इस बेल के शरबत की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।